तो बताओ भाई, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला हमने निकाल दिया था, बी एवरेज निकाल लिया था, क्या होता है बताओ, बी एवरेज नहीं निकाला, क्या निकाला था, तो वैसे आप बताओ P is equal to क्या होता है, BIL। तो शक्ति हमें पता है कि कोई भी परिपथ हमारे पास हो उसी शक्ति का मतलब क्या होता है, विभवांतर और धारा का गुणन होना, ठीक है। तो जिस समय आप विभवांतर ले रहे हो उस समय धारा लेनी है, उसी समय उस परिपथ की क्या बताएगा, शक्ति बताएगा, ठीक है। अब हमें पता है क्योंकि हमारा जो विभवांतर है वो प्रत्यावर्ती है, धारा भी कैसी है, प्रत्यावर्ती है, तो पावर भी कैसी मिलेगी, प्रत्यावर्ती मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ अगर वोल्टेज में चेंज हो रहा है समय के सापेक्ष, धारा में भी चेंज हो रहा है समय के सापेक्ष, तो पावर में भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। मतलब पावर में ऐसा ही कुछ मिलेगा, ये वाला वोल्टेज है, करंट वाला में ऐसा ही मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये वोल्टेज है और ये करंट है तो कौन सा परिपथ है, आर वाला परिपथ है ना, साथ साथ आर वाले परिपथ में दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर एवरेज पावर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। आपको पता है हम औसत उसी का निकालते हैं जिसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, समय के सापेक्ष जो परिवर्तनशील है, वेरिएबल है, उसी का अपन क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो पहले अपन तात्क्षणिक मान लिखेंगे इसका, तो आपने क्या P is equal to BI लिखा है, ठीक है। तो लगाओ सिंगल एरो और हेडिंग डालो तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंट किसी क्षण, इंस्टेंटेनियस पावर, तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है, तात्क्षणिक शक्ति। तो किले सी बात है, किसी भी क्षण पर, क्षण का मतलब क्या होता है, समय, अल्प समय पर, किसी भी समय पर हम क्या बता सकते हैं, तात्क्षणिक शक्ति। तो एक छोटी सी लाइन लिख लो, देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण, ब्रैकेट में लिखो अल्प समय, शॉर्ट टाइम, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण, ब्रैकेट में अल्प समय पर, शक्ति के मान को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण शक्ति के मान को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं, ठीक है भाई, तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। किसी भी समय पर आप शक्ति निकाल सकते हो, क्लियर सी बात है। तो देखो आप ऐसे मान लेते हैं अपन, अब देख लेना, क्योंकि तात्क्षणिक वोल्टता क्या होती है, जो अपन सप्लाई कर रहे हैं, तात्क्षणिक वोल्टता, अब देखो टाइम ऐसा है आपको पीछे के लिए छोड़ना कुछ भी, मतलब जो होता है उसको आप रेगुलर पढ़ना, उसको ढंग से, मतलब एग्जाम की तरह पढ़ना आपको, कि बिल्कुल भी पक्का हो गया हमारा टॉपिक, ऐसे ही पढ़ लूंगा, अब और टाइम नहीं है, अब तो पढ़, अभी पढ़, ठीक है ना, वो भविष्य वाली बात नहीं, अब तो जो टाइम है उसे पढ़ना ही है बस। तो अब तो ऐसे तैयारी करनी आपको, हाँ भाई बहुत अच्छे ढंग से, मतलब जैसे अपन एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं ना। चूंकि तात्क्षणिक वोल्टता क्या होती है बताओ, V is equal to V naught sin ओमेगा t, ये लो V naught sin ओमेगा t, क्वेश्चन नंबर 1। तथा तात्क्षणिक धारा पर मान ले, अब ये तो अपन सप्लाई करते हैं, चाहे कोई सा भी परिपथ हो, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, चाहे आर हो, चाहे एल हो, चाहे सी हो, तो दो कॉम्बिनेशन मिले थे अपन ने, आर एल और सी, क्या एक तो आर सी लिया था और एक क्या लिया था, आर एल लिया था, और तीनों का लिया था वो क्या था, एल सी आर, कितने हो गए फिर, ये छह हो गए, तीन तो अलग अलग हो गए, आर एल सी, दो कॉम्बिनेशन लिए थे आर एल और आर सी, ब्रेक एल सी आर वाला। तो V is equal to V naught sin omega t, और हम मान लेते हैं क्योंकि धारा जो है वो अलग अलग होती है, अपन एक जनरल बात कर रहे हैं,
तो तथा तात्क्षणिक धारा में मान लेता हूं कि I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं माइनस फाइव। तो कोई सभी परिपथों के लिए हो जाएगा ये, जैसे मैंने कहा फाई बराबर जीरो है, पहली बात तो फाई क्या है कलांतर है, फाई क्या होता है कलांतर, यानी वोल्टेज की कला तो है ओमेगा टी और धारा की कला क्या है ओमेगा टी माइनस फाई, तो दोनों में कितना अंतर है फाई का अंतर है, तो फाई हो गया कलांतर, फेज डिफरेंस हो गया। तो फाई की वैल्यू डिपेंड करेगी भाई कौन सा परिपथ आपका बनेगा। मैंने कहा फाई जीरो है, कोई कलांतर नहीं है, समान कला यानी आर परिपथ। मैंने कहा फाई पाई बाई टू है, पाई बाई टू तो पीछे हो गया ना धारा, मैंने कहा फाई पाई बाई टू है तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होगा, और ये ओमेगा टी है तो कौन आगे हो गया वोल्टेज, क्योंकि ओमेगा टी माइनस है। मैंने कहा फाई माइनस पाई बाई टू है तो धारा आगे हो जाएगी, वो आगे आपको पता है कि वोल्टेज आगे किसमें होती है एल परिपथ में और धारा आगे किसमें होती है। तो हमने जनरल परिपथ मान लिया, जनरल सर्किट की अपन बात करें और सप्लाई तो अपन यही कर रहे हैं, कोई सा भी परिपथ हो जाए, और ये हमने मान लिया कि दोनों के बीच में कलांतर कितना है फाइव, तो इन दोनों से इनका गुणनफल ले लें। अतः तात्क्षणिक शक्ति इंस्टेंट पावर, तो तात्क्षणिक शक्ति क्या होता है बताओ, पी इज इक्वल टू वी आई, बराबर क्या होता है तो दोनों के मान रखते हैं, देखो V is equal to V की वैल्यू क्या है V not sin omega t, और ये हमारे पास है I की वैल्यू I not sin omega t minus I, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इस चैप्टर में डेरिवेटिव मतलब पूरा मैथमेटिकल है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझ लेते हो तो आप खुद ही कर सकते हो, मतलब आपको याद नहीं रखना इसमें कुछ। तो देखो V नॉट और I नॉट कांस्टेंट है, इनको मैं एक साथ लिख लेते हैं, चलो मैं इसको यही लिख लेता हूं भाई, P इज इक्वल टू V नॉट क्या होता है वोल्टेज का शिखर मान, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम शिखर उच्चतम अधिकतम, और ये I नॉट किसका है धारा का शिखर मान, तो साइन साइन को एक साथ लिख लेता हूं, तो गुणा में तो है सारे, कैसे लिख लो, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, दो एक फॉर्मूला होता है, चलो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, टी इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई टू, ठीक है, दो से ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं मैं गुणा कर रहा हूं, ये V नॉट I नॉट है, एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B का, किसका होता है 2 sin A sin B का, तो मैंने क्या करा दो से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 sin omega t और sin omega t minus 5, क्या करा दो से अंश में हर में गुणा कर दिया, लिख देते हैं साइड में थोड़ा सा, दो से अंश में हर गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा वैल्यू, लेकिन ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, देखो चूंकि एक फॉर्मूला होता है भाई 2 साइन ए साइन बी, ध्यान रखना आपको ये 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये कॉस ए माइनस बी का भी मालूम है आपका फॉर्मूला, ये भी मालूम होना चाहिए, देखो आपको कॉस ए माइनस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए ताकि आपको ये पता लगे कैसा है, ये होता है कॉस ए कॉस बी, देखो मैं इसको लिख रहा हूं आपको लिखना नहीं है, कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये तो हो गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो कॉस में क्या उल्टा होता है, माइनस है तो प्लस आता है और प्लस है तो माइनस आता है, अब ये वाला माइनस तो है ही,
अब cos से cos भी का मतलब a plus b का मतलब cos से cos भी minus sin से sin भी। अब देख रहे हैं cos से cos भी minus सब cos से cos भी minus minus क्या हो जाएगा plus तो आगे ना sin से sin भी plus sin से sin भी यानी two sin a sin b। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमने लिख लिया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हमारा यहाँ ए क्या है ओमेगा टी। देखो टू साइन ए तो ए तो ओमेगा टी की तरह आपको ए की जगह ओमेगा टी रखना है और बी क्या है ओमेगा टी माइनस वन। तो चलो अब रख के बताओ मुझे क्या होगा। देखो तो हमारे पास जो पावर है पी इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई टू। टू साइन ए साइन बी बोलो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस हो जाएगा ना क्योंकि बाहर माइनस है। देखो ए माइनस बी तो ए का मतलब ओमेगा टी हो गया माइनस ओमेगा टी माइनस वाई तो प्लस हो जाएगा ओमेगा टी प्लस वाई हो गया और ये माइनस का कॉस ए प्लस बी आप जोड़ दो यानी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कुछ कट रहा है क्या इसमें। देखो प्लस का ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा पावर टी इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई टू। हमें गुणा करके लिख रहा हूं ठीक है इसको इससे भी गुणा करना है इसको इससे भी गुणा करना है। तो वी नॉट आई नॉट बाई टू क्या बचा पहला बात तो कॉस फाइव माइनस गुणा कर रहे हैं यानी वी नॉट आई नॉट बाई टू गुणा हो जाएगा ना ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी यानी 2 ओमेगा टी माइनस 1। तो ये हमारी तात्क्षणिक शक्ति हमने देखा कि P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बाय 2 cos phi माइनस V नॉट I नॉट बाय 2 cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। 11वीं क्लास में हमने सीखा था कि समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। अरे बात समझ रहे यानी बल में आप केवल बल को ही जोड़ सकते हो विस्थापन में विस्थापन को ही जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। अब ये पावर है ये क्या है पावर तो ये भी क्या होगी पावर ये भी क्या होगी पावर क्योंकि तो पावर को पावर में से घटाया जा सकता है तो पावर ही तो मिलेगी। तो मतलब ये पहला वाला पद है वो भी पावर को शो कर रहा है और दूसरा वाला जो पद है वो भी पावर को शो कर रहा है। इन दोनों में एक थोड़ी भिन्नता है। पहला वाला जो पद है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा यानी उसमें टी नहीं आ रहा ना अगर टी कुछ भी होता है तो ये चेंज होगा क्या वी नॉट कॉन्स्टेंट आई नॉट कॉन्स्टेंट टू संख्या ऑलवेज कॉन्स्टेंट cos phi, phi का मान तारे कांस्टेंट रहेगा। तो ये पहला वाला जो मान है वो क्या रहेगा कांस्टेंट यानी ये समय पर निर्भर नहीं कर रहा। लेकिन दूसरा वाला जो मान है उसमें t आ रहा है अब t चेंज करोगे तो ये भी क्या होगा चेंज होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति है वो दो भागों से मिलकर बनी है। एक भाग तो कौन सा है जो टाइम इंडिपेंडेंट है समय अनाश्रित है समय पर निर्भर नहीं कर रहा और दूसरा भाग समय पर निर्भर कर रहा है। तो ये तात्क्षणिक शक्ति हमारे पास आ गई। तो इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर कौन सी थर्ड। अब देखो एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया एवरेज पावर औसत शक्ति तो इतना तो करना ही है ठीक है ना। अब अपन जो पढ़ेंगे औसत शक्ति अपन निकालेंगे एवरेज निकालेंगे तो यहां से लिख दूंगा समीकरण तीन से तो आपको समीकरण तीन में निकाल के बताना है क्योंकि उसके बाद वो दो स्टेप बचते हैं बस। तो एवरेज पावर की बात आएगी तो आपको पी को लेके चलना है ठीक है किसको लेके चलना है पी को। ये पी बराबर वी आई हो गया वी हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी आई की हमने वैल्यू पुट करी ठीक है। फिर हम बस केवल फॉर्मूला लगाया अपन ने कौन सा लगाया है कि 2 sin a sin b बराबर क्या होता है cos a। तो ये आपको इसको याद ही रखना कि आप भी समीकरण 3 से लिखे आओ कि चूंकि ये होता है तो इसलिए ये होता है। तो पी आपको निकालना है अपन और उसके बाद मैं आगे लिख रहा हूं पहले ना लिखा हुआ इसको फ्रेम में लगा दो ये एवरेज डालेंगे इससे ये तात्क्षणिक शक्ति
ई तो ई तो हमारा होता है विद्युत वाहक बल होता है ना, प्रेरित बल होता है, इंड्यूस ई एमएफ। तो ई लिखना है तो इंड्यूस जो है ना सप्लाई कर रहे हैं अपन, वो तो फैराडे वाला होता है। ई ई मतलब माइनस डी बाय अपॉन डीटी, फैराडे का नियम है। तो ई यूज होता है विद्युत वाहक बल के लिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। इंड्यूस जो हो रहा है जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स की बात नहीं है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। इस अगला मैं पढ़ाऊंगा ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहां इंड्यूस होता है तो वहां मैं ई लिखूंगा। यहां सिंपल भी चल रहे तो वोल्टेज बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई? F2 माइनस F1 का फॉर्मूला क्या है? 1/2πr/n। विशेषता गुणांक का Q बराबर FR अपॉन डेल्टा और XL अपॉन या XC अपॉन। लिख लिया, समझ आता है? तो ये हो गया हमारी तात्क्षणिक शक्ति। लिख लिया भाई, अब लगाओ सिंगल एरो। इसको लिख लिया हो तो अब इसी से हम निकालेंगे औसत। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आपको एवरेज पूछेगा सीधे ही, तो आपको ये इतना तो करना ही है, ठीक है ना। तात्क्षणिक पूछे तो यहां तक निकाल दिया, तात्क्षणिक की बात खत्म हो गई। एवरेज पूछेगा तो इतना तो आपको करना ही है। तो सिंगल एरो लगा के लिखो औसत शक्ति, एवरेज पावर, क्योंकि पावर यहां चेंज हो रही है समय के साथ साथ, इसका औसत हम निकाल सकते हैं। एवरेज पावर
ठीक है, हो गया सबके यहाँ तक, ठीक है। औसत शक्ति परिभाषा लिखो छोटी सी, लिखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तात्क्षणिक शक्ति के औसत मान को, तात्क्षणिक शक्ति के औसत मान को औसत शक्ति कहते हैं। औसत शक्ति कहते हैं, ठीक है, औसत मान को। तो औसत एवरेज अपन को पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है, बताया था ना आपको बोर्ड पे धारा का अपन एवरेज कैसे निकालते हैं। पहले क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। क्या करना होता है, इंटीग्रेशन, क्योंकि वो कुल मान को दर्शाता है, क्योंकि औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहां योग हम इंटीग्रेशन के थ्रू करते हैं, लिमिट पूरा चक्र है कि आधा चक्र है, और किसका भाग देते हैं, समय अंतराल का, ठीक है। तो जब औसत शक्ति की बात कर रहे हैं तो मैं समीकरण तीन से लिख रहा हूं सीधे, एग्जाम में आता है तो आपको समीकरण तीन तक भी लिखना पड़ेगा। तो देखो समीकरण तीन से, चूठी देख लो पहले, समीकरण तीन से तात्क्षणिक शक्ति क्या थी, क्योंकि हमें वही मान लेना है जो समय पर निर्भर हो, उसी का तो औसत निकलेगा। क्योंकि समीकरण तीन से तात्क्षणिक शक्ति एवरेज पावर निकालनी हमें, तो तात्क्षणिक शक्ति P इज इक्वल टू क्या था बताओ, बी नोट आई नोट बाई टू कॉस वाई। पहला पद तो ये था जो समय पर निर्भर नहीं करता, और माइनस क्या था, प्लस था, बी नोट आई नोट बाई टू कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ये था हमारे पास तात्क्षणिक शक्ति। तो अब हमें इसका एवरेज लेना है, इसका हमें औसत लेना है। अब औसत का मतलब इसका भी एवरेज लेंगे और इसका भी एवरेज लेंगे, ठीक है। तो चलो हम निकालते हैं, अतः औसत शक्ति एवरेज पावर माध्य शक्ति, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एवरेज पी, या पी बार बोल दें, केवल पी एवरेज बोल दें, कुछ भी लिख सकते हो। तो एवरेज अपन ले रहे हैं, तो सपोज करो मैं पूरे वैसे लिख देता हूं, वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव माइनस वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, इस पूरे का एवरेज, ठीक है। इनसे डर लग रहा तो बार लगा देते हैं, क्या लगा दे, बार, यो क्या बार, किसको शो कर रहा है, ये एवरेज को, पी बार, पी बार, बार का मतलब एवरेज, बार का मतलब रेखा होता है, तो रेखा एवरेज को शो करती है। तो इसका मतलब हमें भी पूरे का एवरेज लेना है, तो इसका भी एवरेज लो माइनस इसका भी एवरेज लो, इसको अपन अलग अलग कर लें, यानी बी नोट आई नोट बाई टू कॉस फाइव इसका भी एवरेज लेना है, माइनस बी नोट आई नोट बाई टू कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव, इसका भी क्या लेना है, एवरेज, ठीक है भाई। अब आप बताओगे देखो एवरेज कैसे लेते हैं, मतलब यहां पर इंटीग्रेशन निकालना है, डायरेक्ट लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी एवरेज कितना होगा। अब ये आपको पता, ये वाला भाग तो नियत है, क्योंकि यहाँ समय नहीं है, टी का पद नहीं है ना कोई भी यहाँ पर, ये वाला मान टी पर निर्भर नहीं करता, और जो नियत होता है उसका एवरेज भी वही होता है। मैंने आपको बता रखा है कि जो कॉन्स्टेंट है तो वो हमेशा वही रहेगा, किसी भी समय पर वो हमेशा वही रहेगा, क्योंकि यहाँ टी नहीं आ रहा, टी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो सारी की सारी वैल्यू एवरेज है, वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव टू, ये सब कॉन्स्टेंट है, तो इसका एवरेज भी यही रहेगा। तो बार को हटा सकते हैं आप, तो इसका एवरेज यही होगा, मैंने बार को हटा दिया तो यही रहेगा वी नोट आई नोट बाई टू कॉस फाइव, ठीक है, इसका एवरेज ये हो गया। क्या इसका भी एवरेज यही होगा क्या, इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये समय पर निर्भर कर रहा है, समय के साथ साथ इसका मान क्या होगा, बदलेगा, चेंज होगा,
जो चेंज होगा उसका एवरेज निकालते हैं। लेकिन हमें पता है नियत भी तो है इसमें कुछ, V नॉट कॉन्स्टेंट है, I नॉट कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट है, तो एवरेज उसी का लेंगे जो चेंज हो रहा है, ये तो हमेशा वही रहेंगे, तो इनको बाहर निकाल लो। तो जो इसमें कॉन्स्टेंट था उसको मैंने बार से बाहर निकाल लिया, V नॉट, I नॉट, Y2 को बाहर निकाल लिया, तो हमें एवरेज इसका लेना है, cos वाले पद का लेना है, यानी cos 2 ओमेगा t माइनस पाई, इसका हमें क्या लेना है, एवरेज लेना है। ठीक है भाई, ये हमें बाहर यहाँ पर था, इसका मतलब एवरेज यही होगा, इसका कॉन्स्टेंट है, यहाँ इसको हमने बाहर लिया एवरेज से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि p एवरेज इज इक्वल टू v नॉट i नॉट by 2 cos phi माइनस v नॉट i नॉट by 2 cos, अब आगे ध्यान मत दो कि 2 ओमेगा की माइनस phi है, वो तो थीटा है, क्या है वो, थीटा, cos के बाद थीटा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा हो, cos स्क्वायर थीटा हो, स्क्वायर आता है, तो उसका एवरेज क्या होता है, 1/2, 1/2, ये सब हमने धारा के वर्ग माध्यमूल में निकाला हुआ है, औसत में निकाला हुआ है। और अगर स्क्वायर नहीं आता, केवल साइन थीटा है, कॉस थीटा आता है, तो उसका एवरेज क्या होता है, जीरो। एवरेज क्या होता है उसका, जीरो। अधिकतम मान होता है प्लस वन, न्यूनतम मान होता है माइनस वन, एवरेज लोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। स्क्वायर कर देते हैं प्लस वन बन जाता है फिर वो। तो कहने का मतलब ध्यान रखिए यहाँ कि भाई स्क्वायर नहीं आ रहा, इसमें ध्यान ही देना, ये थीटा है, ये क्या है भाई, थीटा, कॉस थीटा, तो अगर स्क्वायर नहीं आ रहा इसका मतलब इसका एवरेज क्या होगा, जीरो। तो ये इसका एवरेज जीरो है, क्योंकि cos थीटा का एवरेज क्या होता है भाई, जीरो। cos थीटा हो या sin थीटा हो, एवरेज क्या होता है, जीरो। और स्क्वायर हो तो क्या होगा, 1/2। ठीक है, तो यह निकालने की जरूरत नहीं है, तरीका तो क्या है, जीरो से t cos 2 ओमेगा t माइनस फाई dt बटा जीरो से t dt। तो ये थीटा की तरह काम करेगा, इसका एवरेज निकालेंगे क्या आएगा, जीरो। तो यहां निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन लिखेंगे इसका एवरेज जीरो है। तो यहां जो है उसी को लिख रहा हूं मैं, कि चूंकि cos 2 ओमेगा t माइनस फाई, इसका एवरेज क्या होगा, जीरो। तो ये जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या बचा भाई, p एवरेज, ये तो जीरो, जीरो से गुणा करना जीरो, तो क्या बचा, p एवरेज इज इक्वल टू v नॉट i नॉट by 2 cos phi, v नॉट i नॉट by 2 cos phi। अब इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं क्या, p एवरेज इज इक्वल टू, इस 2 को मैं ऐसे लिख दूं कि सर v नॉट by root 2, रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं ना टू को, तो वी नोट बाई रूट टू इंटू आई नोट बाई रूट टू, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, वही बात है, वी नोट आई नोट, वी नोट आई नोट, टू रूट टू इंटू रूट टू, टू कॉस फाई। नहीं, हमारा क्वेश्चन यहां सॉल्व हो जाएगा, ऐसे पूछेगा आपसे वी नोट बाई रूट टू क्या होता है, वी आर एम एस, ये आर एम एस वैल्यू होती है, वर्ग माध्य मूल मान, वी आर एम एस होता है वी नोट बाई रूट टू। तो P एवरेज का मतलब ये हुआ कि V आर एम एस, आई नोट बाई रूट टू क्या होगा, I आर एम एस कॉस फाई। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि सिद्ध करो कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, to prove that, सिद्ध करो कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का मान, प्रत्यावर्ती औसत शक्ति का मान वोल्टता और धारा के वर्ग माध्य मूल मानो और उनके मध्य कोण या जो कलांतर है उसकी कोज्या, कोस का मतलब क्या होता है, कोज्या, कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे बोलेगा सिद्ध करो कि P एवरेज बराबर V RMS I RMS cos phi या V नॉट बाय रूट टू I नॉट बाय रूट टू cos phi। तो इक्वेशन नंबर कौन से होगा, ये तीन के बाद चार, बराबर चल रहा है, कंटिन्यू, तीन के तो है, ये इक्वेशन आ गई फोर, एवरेज पावर। तो पी एवरेज का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब यहां भी आप देख रहे हैं, वी आर एम एस ये वोल्टेज है, आई आर एम एस ये करंट है, तो ये भी पावर को शो करेगा, कॉस फाई को छोड़ो आप, वी आर एम एस आई आर एम एस ये भी किसको शो करेगा, पावर को शो करेगा, क्योंकि वी इंटू आई हो गया ना,
ये वी आर एम एस वोल्टेज है, वोल्टता है, विभवांतर है, ये आई आर एम एस धारा है, तो ये इनका गुणनफल तो है। इसको बोलते हैं वर्चुअल पावर, आभासी शक्ति। क्या बोलते हैं इसको? आभासी शक्ति। मतलब जो वोल्टता धारा का जो वर्ग माध्य मूल मानों का गुणनफल है, इसे बोलते हैं आभासी शक्ति। ठीक है, अब ये भी शक्ति, ये भी शक्ति, शक्ति बड़ा शक्ति। जैसे हमने देखा था विशेषता गुणांक, ऊपर भी आवृत्ति, नीचे भी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति बटा बैंड चौड़ाई, वो भी आवृत्ति होती है। कहने का मतलब ये हुआ है गुणांक को शो करेगा ये cos phi, तो ये भी पावर, पावर बटा पावर इज इक्वल टू cos phi। इसे बोलते हैं पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। वो आवृत्तियों का गुणांक था, विशेषता गुणांक बोल दिया उसको, तो कह रहे ये पावर। और ये भी क्या है? दोनों दोनों मिला के बन गया पावर, वी और आई। तो ये आभासी शक्ति को शो करता है, वर्चुअल पावर, आभासी शक्ति। तो ये cos phi को क्या बोलते हैं भाई? शक्ति गुणांक। ठीक है, टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है, तो अपन यही पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, ठीक है ना, ये सिलेबस में नहीं आपके यहां। तो वाटहीन धारा, वाट लेस करंट, कोई वाट नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई कार्य नहीं, कार्यहीन धारा भी उसको बोलते हैं। तो आपका सिलेबस में नहीं है, सो नहीं पढ़ेंगे, तो पहले यहां तक लिखो। चौकी समीकरण तीन से तात्क्षणिक शक्ति, यहां से लिखना है एज इट इज।
हो गया भाई। क्या होगा भाई, बी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वी आर एम एस का मतलब वी नोट बाई रूट टू, आई आर एम एस का मतलब आई नोट बाई रूट टू। अरे कॉस फाई को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणा पावर फैक्टर। एक लाइन लिखो नीचे, लिख लिया सबने? देखो समीकरण चार से, समीकरण चार से स्पष्ट है कि समीकरण चार से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, समीकरण चार से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का मान, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का मान, औसत शक्ति का मान प्रत्यावर्ती वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का मान प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूल मानों, के वर्ग माध्य मूल मानों, वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूल मानों एवं उनके मध्य, उनके किनके, वोल्टा और धारा एवं उनके मध्य कलांतर, उनके मध्य कलांतर फेज एंगल फेज डिफरेंस कला कोण, उनके मध्य कलांतर की क्या कोज्या, कोज्या यानी कोसाइन, कोसाइन कोस का परिणाम क्या होता है कोसाइन, उनके मध्य कलांतर की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, उनके मध्य कलांतर जो फाई है हमारा की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो पी एवरेज का फॉर्मूला आ गया हमारे पास वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। लाइन चेंज करो, देखो समीकरण चार में, समीकरण चार में कोस फाई को, समीकरण चार में कोस फाई को शक्ति गुणांक पावर फैक्टर, समीकरण चार में कोस फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, कोस फाई तुम क्या बना रहे हो, डेल्टा क्यों बना रहे हो, तो मेरे तरह मत बना, मैं तो आता ऐसे फाई बनाने की, बता ऐसे बना रहे, ऐसे ऐसी ये फाई ये फाइव मतलब ऐसा डेटा लग रहा है देखो ऐसे शुरू से आता है, फिर भी ये फाइव लग रहा है, वहां डेटा लग रहा है, डेटा परिवर्तन को बताता नहीं क्या ऐसा कुछ भी हो। कोस फाइव क्या बोलते हैं भाई, शक्ति गुणा भाई, उसमें क्या आदत पड़ जाएगी तुम्हें, जैसा आप लिखोगे वैसी हैबिट पड़ जाती है, अगर ऐसे लिखोगे तो आप ऐसे ऐसे मत लिखो,
तो cos y क्या बोलते हैं, शक्ति गुणा। अभी आप, मैंने आपको बताया था कि ये भी पावर को शो करेगा, क्योंकि ये वोल्टेज है, ये करंट है, कौन सी पावर होती है, आभासी शक्ति। लाइन चेंज करके लिखो, देखो समीकरण चार में, समीकरण चार में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा, समीकरण चार में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूल मानो, समीकरण चार में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूल मानो के गुणनफल को, के गुणनफल को, वर्ग माध्य मूल मानो के गुणनफल को आभासी शक्ति, वर्चुअल पावर, अपीयरेंस पावर भी बोल देते हैं, आभासी शक्ति कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मानो के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आभासी शक्ति, वर्चुअल। नीचे लिखो, अर्थात पी आभासी, पी आभासी यानी आभासी शक्ति, वर्चुअल। तो पी आभासी का मतलब क्या होगा भाई, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ये भी शक्ति को शो करेगा, क्योंकि तो वोल्टेज और धारा है, वोल्ट एम्पियर है, वाट है। अर्थात पी आभासी इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई, फाइव। सभी का नंबर पांच डाल दो इसे आप, और फिर सभी का चार में इसको रखो। इक्वेशन नंबर फाइव, नीचे लिखो आते हैं। समीकरण चार से, समीकरण चार से तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला पी एवरेज का, कि P एवरेज इज इक्वल टू P आभासी, या वर्चुअल भी लिख सकते हो, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी, या आभासी लिख लो, इनटू cos phi। तो यहां से क्या बना cos phi का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा औसत शक्ति, P औसत बटा P आभासी। इक्वेशन नंबर सिक्स, कोस फाइ इज इक्वल टू पी औसत बटा पी आभासी, वर्चुअल, बी आई आर भी लिख सकते हैं। तो ये कोस फाइ क्या होता है भाई, शक्ति गुणांक, शक्तियों का अनुपात आ रहा है ना, इसको बोलते हैं शक्ति गुणा। तो यहां से एक डेफिनेशन और मिलती है, नीचे लिखो एक लाइन, देखो समीकरण छह से, देखिए अभी सामने आता तो बताओ किस किस का अनुपात क्या कहलाएगा, औसत शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणा। देखो समीकरण छह से स्पष्ट है कि, समीकरण छह से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, समीकरण छह से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति, औसत शक्ति एवं आभासी शक्ति के अनुपात को, औसत शक्ति एवं आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक का मात्रा क्या होगा, कोई मात्रा का, तो ये भी पावर है वाट, तो ये भी पावर है, तो वाट बटा वाट यानी कुछ नहीं, यह मात्रकहीन होता है। इसी लाइन में लिख लो, यह
मात्रकहीन होता है, यूनिटलेस, यह मात्रकहीन होता है। ठीक है, अब देखो आपको कुछ अपन केस लेके चले, कुछ स्पेशल केसेस, विशेष परिस्थितियां, केस फर्स्ट। ठीक है, केस नाम सुनते ही पहला केस, स्पेशल केस में ले देखो पहले आप केस फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं। सपोज करो फाई हमारा जीरो है, फाई कौन सा क्या है, जीरो। फाई जीरो कौन से परिपथ में होता है, आर। भाई फाई है कलांतर, यानी समान सभा में होने चाहिए वोल्टेज और करंट, तो फाई जीरो होता है आर परिपथ। देखो केस फर्स्ट देख लो पहले, तो लिख देना एक साथ शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ के लिए, शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ के लिए हमें पता है शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ के लिए फाई क्या होता है, जीरो। कलांतर जीरो होता है, यानी वोल्टेज और धारा समान कला में चलते हैं। ठीक है, फाई जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, फाई जीरो है तो कोस फाई क्या होगा, वन। कोस जीरो वन हो गया ना, भाई फाई जीरो है तो कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, वन। आते हैं समीकरण चार से, थी ना वो एवरेज वाली, समीकरण चार से जो हमारा एवरेज पावर लॉस होगा वो होगा कि नहीं होगा, कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और कॉस वाई की वैल्यू क्या हो गई, वन। तो ये हमारा मैक्सिमम पावर लॉस है, मैक्सिमम पावर लॉस, अधिकतम शक्ति हानि। इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिपथ में R है, शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ है, तो शक्ति हानि होती है, और वो हानि किसके बराबर होती है, VRMS into IRMS। ओके बात समझ में, ये पावर लॉस की बात कर रहे हैं, P एवरेज। पावर लॉस का मतलब क्या है, पावर लॉस का मतलब ये है कि जो आप सप्लाई कर रहे हो, जिस पावर का आप दे रहे हो संकेत, जो आप इनपुट दे रहे हो, जिस पावर का बना है सिग्नल आपके लिए, बिजली बनी है जिस पावर की, वो पावर अपन को नहीं मिल रही, कस्टमर को वो पावर नहीं मिलेगी, तो बीच में पावर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, पावर लॉस हो रहा है, शक्ति हानि हो रही है। तो P एवरेज इज इक्वल टू हो गया VRMS into IRMS। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो पावर लॉस होता है, शक्ति हानि होती है, ऊर्जा हानि होती है, ऊर्जा व्यय होता है, वो कौन से परिपथ में होता है, शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में होता है, और कितना होता है, VRMS into IRMS। ठीक है, देखो इसको अधिकतम शक्ति हानि, ऊर्जा हानि भी लिख सकते हैं, शुद्ध प्रतिरोध, प्योर असिस्टेंस, केवल आर। लिख लो आपके स्वास्थ्य के लिए, जो कि कॉस जीरो होता है वन, ये अंडर रूट क्यों लगा रही है भाई, ये एवरेज पे, ये लास्ट लिखा है, ये अंडर रूट क्यों लगा रही है, तो पहले लिखने के बाद आएगा ना पोस्टर, बोले क्या पहले फ्रेम बना लेंगे ऐसे और फिर लिखेंगे, पहले लिखा करो फिर। आगे पसंद में भाई, तो सबसे ज्यादा शक्ति हानि कौन से परिपथ में होती है, आर वाले परिपथ में होती है।
एक जूल का नियम आपने पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है जूल का, उस पर ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो इसका, कि उष्मीय प्रभाव जो होता है धारा का, उष्मा के रूप में हानि होती है, H is equal to I square RT, H is equal to I square RT, यहाँ केवल R है, L या C नहीं है, तो R वाले परिपथ में जो ऊर्जा हानि होती है, जो एनर्जी लॉस होता है, वो किसके रूप में होता है, उष्मा के रूप में होता है, उष्मा प्रकट होती है, ऊर्जा भी वातावरण में, वो कोई काम की नहीं है, तो जो R वाला परिपथ जहां भी R होता है तो वहां इस तरह हानि होती है, जब I दोगे तो I square RT के बराबर हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, उष्मीय हानि हो जाएगी, ठीक है ना, तार गर्म हो गया भैया, उष्मा I square RT, R प्रतिरोध वाले तार में T समय तक अगर आपने I धारा प्रवाहित करी तो कितनी उष्मा उत्पन्न होती है, I square RT, ये तार को गर्म कर देती है, इसी से उपकरण खराब होते हैं, हीटिंग से तो खराब होते हैं उपकरण, एक लाइन लिखो नीचे, लिखो अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में, अतः स्पष्ट है कि शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में शक्ति व्यय अधिकतम होता है, शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में शक्ति व्यय अधिकतम होता है तथा यह जूल के नियमानुसार, जूल एक वैज्ञानिक का नाम था, तथा यह जूल के नियमानुसार उष्मीय ऊर्जा के रूप में, तथा यह जूल के नियमानुसार उष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है, उष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है, ठीक है, अब ले रहे हम केस सेकंड, उष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है, केस सेकंड, अब केस सेकंड का मतलब एल या सी, केस सेकंड देखे, देखो जब देख लो पहले, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, दोनों को एक साथ दिख रहा हूं मैं, शुद्ध प्रेरकत्व यानी एल या शुद्ध धारिता यानी सी, क्योंकि दोनों के लिए कलांतर कितना होता है, पाई बाई टू, और प्लस और माइनस में होगा बस, एक में वोल्टेज आगे होती है, एक में पीछे होती है, तो कोस में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोस एक समफलन होता है, विषम फलन नहीं होता, समफलन, समफलन का मतलब क्या होता है, कोस थीटा भी वही रहेगा, और आपने कोस माइनस थीटा कर दिया तब भी वैल्यू क्या रहती है, कोस थीटा, समझ गए, थीटा कोस थीटा तो ये हमारे पास पॉजिटिव, थीटा को अगर आप माइनस थीटा से रिप्लेस करते हो तब भी इसकी वैल्यू क्या आती है, कोस थीटा आती है, जैसे मैंने आपसे कहा कोई फलन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब मान लो मैंने क्या करा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तब भी हमें क्या मिलेगा, f माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर तो मिलेगा, क्योंकि माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां x को माइनस एक्स से बदलने पर कोई फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये होता है सम फलन, अगर मानो एक्स क्यूब होता तो माइनस एक्स क्यूब आता, अगर मैं एक्स से माइनस एक्स कर देता तो मुझे क्या मिलता, माइनस एक्स क्यूब मिलता, तो अगर माइनस से मान बदल जाए तो विषम है और वही रहे तो क्या होता है, समफलन, तो मैं एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि तो हमारे पास कोस है, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता उपस्थित हो तो आपको पता है फाई क्या होगा, प्लस माइनस फाई बाई टू, फाई क्या होगा, प्लस माइनस फाई बाई टू, ठीक है, फाई या तो प्लस फाई बाई टू या माइनस फाई बाई टू, एक में वोल्टेज आगे और एक में करंट आगे, तो हमें पता है फाइ चाहे प्लस फाइव बाई टू हो चाहे माइनस फाइव बाई टू हो ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कोस फाइव बाई टू क्या होता है, जीरो, जब आप फाइ का मान फाइव बाई टू या माइनस फाइव बाई टू रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्योंकि कोस फाइव बाई टू क्या होता है भाई, जीरो, तो देखो इसलिए समीकरण चार से
तो बताओ पी एवरेज का फॉर्मूला क्या था? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइ। तो समीकरण चार से हम देखिए कितना पावर लॉस हो रहा है भाई। पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइ कितना है? जीरो। कॉस फाइ कितना है भाई? जीरो। और जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। यानी पी एवरेज इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि परिपथ में अगर एल है सी है प्रेरका तो है धारिता है संधारित्र है तो कोई पावर लॉस नहीं होता, कोई शक्ति हानि नहीं होती, कोई ऊर्जा हानि नहीं होती। आर वाले परिपथ में ऊर्जा हानि होती है, ऊर्जा जो कि संरक्षित राशि है, ऊर्जा का हमेशा क्या होता है? संरक्षण। तो जो एनर्जी लॉस हुआ आर वाले परिपथ में वो एनर्जी वो ऊर्जा किसके रूप में चल जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, क्योंकि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा के केवल फॉर्म बदलता है रूप बदलता है। तो जो आर में ऊष्मा हानि हुई थी जो यानी सॉरी जो एनर्जी लॉस हुआ था शक्ति हानि जो हुई थी वो जो लॉस किसके रूप में प्रकट होता है? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, एच बराबर आई स्क्वायर आर। तो एल और सी में ऊर्जा हानि नहीं होती यानी पावर लॉस नहीं होता, पावर लॉस नहीं होता। एवरेज पावर क्या होती है यहां पे? जीरो। एवरेज पावर लॉस क्या होता है? जीरो। अब पढ़ा होगा आपने देखो जब एल होता है तो पहले इसको लिख लो, चलो सेकेंड पावर लॉस जीरो। हमने सीख लिया कि एल और सी होगा तो पावर लॉस नहीं होता है। लिखिए सबने एक लाइन लिखो नीचे लिखिए। अतः स्पष्ट है कि शुद्ध प्रेरकत्व शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति व्यय यानी खर्चा हानि हास डीके शक्ति वे समझ गए ना वे शक्ति वे नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति वे नहीं होता है। ठीक है भाई। अब देखो होता क्या है इसमें कि जैसे मान लो एन की बात कर रहे हैं, एल हमारे पास ये हो गई। एल का मतलब क्या होता है? कुंडली कॉइल। ठीक है, ये एल की बात हो गई। तो जब मान लो इसमें अपन करंट फ्लो कर रहे हैं, जब आप इसमें क्या फ्लो कर रहे हो? करंट, धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो इसका होता है चुंबकन। क्या होता है इसका? चुंबकन। ये मैग्नेटाइज होता है, चुंबकित होता है। इसमें करंट फ्लो करने पर इसका क्या होता है भाई? चुंबकन होता है। क्या होता है? चुंबकन।
जैसे आप कोई बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो, मोबाइल को आप चार्ज कर रहे हो, तो बैटरी क्या होती है? चार्ज होती है। और जब आप मोबाइल को काम में लेते हो तो आप उसको क्या करते हो? डिस्चार्ज करते हो। क्या करते हो? उसे डिस्चार्ज कर रहे हो। तो चक्कर चलता रहता है ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन कह रहे हैं कि एल या सी में ऊर्जा हानि नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एल को अपन चुंबकित कर रहे हैं, एल चुंबकित करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हो। आप धारा प्रवाहित करोगे क्योंकि एसी धारा है, धारा को प्रवाहित करोगे तो इसका क्या होता है? चुंबकन होता है, इसके फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये सारी बातें पढ़ी हुई आपने। तो एल को जब अपन धारा देते हैं तो चुंबकन के समय इसको जो ऊर्जा दी जाती है, जो एनर्जी दी जाती है चुंबकन के समय, मैग्नेटाइजिंग जब इसको अपन कर रहे हैं तो जो इसको ऊर्जा दी जाती है, अब इसकी एक क्षमता है कि भाई इतना चुंबकित होगा, इतना इतना मैं सोचता हूं चार्ज करते रहोगे, 100% आता है कि नहीं आता? कि प्लीज रिमूव द चार्जर, दिखाता ही नहीं आता, हटाओ, हो गया पूरा। मशीन भी बोलती है ये, तुम नहीं बोलते कि जाओ और लाए जाओ, और खाए जाओ, हटना चाहिए पेट पूरा, जो सोना है अपन को, इसलिए कम खाना चाहिए पढ़ने वाले को, सोना हो जाए खूब खाओ, पढ़ना है तो भाई रात में कम खाओ क्योंकि अब रात ही मिलती है पढ़ने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब एल को अपन चुंबकित कर रहे हैं उस समय इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ये विचुंबकित होगा, मतलब चुंबकन से उल्टा प्रक्रम को क्या बोलते हैं? विचुंबकन, डीमैग्नेटाइजेशन। कहने का मतलब क्या हुआ? एक तो होता है चुंबकन और ये क्या हो गया? विचुंबकन। तो एनर्जी हमें कब देनी पड़ेगी? चुंबकन के समय। और हमें कब मिलेगी? विचुंबकन के समय। तो चुंबकन के समय जो दी गई ऊर्जा है वो विचुंबकन के समय प्राप्त ऊर्जा के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो इसलिए यहां कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एल जब आप काम लोगे, कुंडली जब आप काम ले रहे हो, तो जब आप धारा प्रवाहित करोगे तो इसका क्या होता है? चुंबकन। चुंबकन हो गया, एक सीमा तक चुंबकन होगा। तो अब हमें जब इसका विचुंबकन होगा, जब आप इसको यूज करोगे, आप जब आपने कहीं में एल लगा दिया, इसको यूज कर रहे हो आप, इसको प्रयोग में ला रहे हो, तो इसका क्या होता है? विचुंबकन होता है। तो चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा का मान किसके बराबर हो जाता है? विचुंबकन के समय प्राप्त ऊर्जा। ऐसे संधारित रहे, संधारित का होता है आवेशन और निरावेशन, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो हमें एनर्जी कब देनी पड़ेगी? आवेशन के समय इसको चार्ज करना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी आपको। तो आवेशन के समय दी गई ऊर्जा का मान जब इसको यूज करोगे आप, यानी डिस्चार्ज करोगे, तो डिस्चार्ज यानी निरावेशन के समय जो हमें ऊर्जा मिलेगी उससे क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए एल और सी में एनर्जी लॉस नहीं होता है। आर में ऐसा नहीं होता। आर में जो एनर्जी होती है वो किसके रूप में प्रकट होती है? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, और वो मतलब एक तरह से मीनिंगलेस है, उसका कोई काम नहीं होता क्योंकि ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, गर्म हो गया तार, उससे कोई मतलब नहीं है। एक नोट डाल के लिखो नीचे छोटा सा। लिखो, जब परिपथ में प्रेरकत्व कैपिटल एल, जब परिपथ में प्रेरकत्व कैपिटल एल उपस्थित होता है, जब परिपथ में प्रेरकत्व कैपिटल एल उपस्थित होता है, तो इसका किसका? एल का। तो इसका चुंबकन डैश विचुंबकन, मतलब साथ साथ लिखना है, तो इसका चुंबकन डैश विचुंबकन होता है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। जब परिपथ में एल यानी प्रेरकत्व उपस्थित होता है तो इसका चुंबकन डैश लगा के विचुंबकन होता है। तो हमें एनर्जी कब देनी पड़ेगी? चुंबकित करने के लिए। और हमें प्राप्त कब होगी? जब विचुंबकन होगा। विचुंबकन होता है, देखो, चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा का मान, चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा का मान, चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा का मान, कॉमा लगाओ छोटा सा, विचुंबकन के समय, चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा का मान विचुंबकन के समय प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है। चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा का मान
विचुंबकन के समय प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है। विचुंबकन के समय प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है, अर्थात ऊर्जा हानि नहीं होती है, नो एनर्जी लॉस, अर्थात ऊर्जा हानि नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही हम लाइन चेंज करके लिखेंगे। देखो लाइन चेंज करके देखो, इसी प्रकार जब परिपथ में संधारित्र उपस्थित होता है, तो उसका आवेशन डैश लगा के निरावेशन होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, तो उसका आवेशन डैश निरावेशन होता है। अतः आवेशन के समय दी गई ऊर्जा का मान निरावेशन के समय प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है। निरावेशन के समय प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई शक्ति से संबंधित। लास्ट हेडिंग का ट्रांसफॉर्मर। हेडिंग का ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्म आवाज नहीं, आगे कौन बात कर रहा है? ट्रांसफॉर्मर लास्ट। ठीक है भाई, इससे पहले पढ़ते हैं अपन शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वहां से क्वेश्चन भी नहीं आया। ठीक है, विद्वान नहीं बनना, आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, पहले कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद। ठीक है भाई, गवर्नमेंट के हिसाब से सिलेबस कम कर रहा है आपका। ट्रांसफार्मर तो देखा होगा, ट्रांसफार्मर तो जो क्या काम आता है ट्रांसफार्मर, बताइए। उससे पहले आप ये बताओ अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण ये सब पढ़ाया हुआ है आपको? ये नहीं पता, पढ़ाई नहीं पढ़ा। एक होता है स्वयं प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। एक होता है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहले तो थोड़ा इसको समझ लें कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आता है सीधे कि ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत कार्य करता है। आंसर क्या होगा? अन्योन्य प्रेरण। सपोज करो हमारे पास एक सर्किट है, ये मानो हमारे पास क्या है, कोई सर्किट, कोई बड़ी बात है, और यहां मानो मैंने एसी सोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? एक एसी सोर्स लगा, इसको मैंने नाम दे दिया सी सर्किट। ठीक है, अब मान लो हम यहां वोल्टेज दे रहे हैं, कौन सा? एसी। तो करंट भी क्या मिलेगा? एसी। यानी वोल्टेज में समय के साथ क्या होगा? परिवर्तन होगा। उससे हमें जो धारा मिलेगी
उसमें भी समय के साथ क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो धारा में समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। धारा में जब समय के साथ परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्त का नियम पढ़ा है ना, क्या होता है बता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो सावर्त के नियम से। इंपॉर्टेंट है बहुत, बायो सावर्त का नियम लिखिए और बताइए किसी अनंत कोई रेखे चालक है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कुंडली वाला आ जाए। वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर होगा, एक केंद्र पर था। ये बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन आते सीधे कि बायो सावर्त का नियम लिखिए तथा किसी धारावाही अन्य मत पढ़ो, ध्यान दो कि बायो सावर्त का नियम लिखिए। आप तो हो गया भाई संगीत पूरा बहुत देर हो गया, तो मुझे मिल जाएगा सुबह वहां खड़ा हो, तो मतलब यहां से लेट जग रहा है। तो क्वेश्चन आता है बायो सावर्त का नियम लिखिए तथा किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर या उसके अंश पर क्या निकालिए, चुंबकीय क्षेत्र की गणना की। सीधे क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला हमारा चुंबकीय क्षेत्र का है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या होती है, सहनशीलता। आप घर पे सहन करते हो तो क्या, अभी आप भाई पढ़ रहे हो, अभी आप डिपेंडेंट हो सब चीज के लिए, तो क्या करना पड़ता है, सहन। अंदर अंदर आपकी रणनीति बनती रहती है कि भी मेरा भी टाइम आएगा, अब बदला सबसे दूर। तो जैसे सहनशीलता होता है सहन करना, ऐसी चुंबकशीलता भी सहन करने की क्षमता है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र सहन कर सकता है, कितना करंट सहन कर सकता है, कितनी चुंबकीय बल रेखा इसमें से गुजर सकती है। कोई भी माध्यम आपके पास है उसमें से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर सकती है, कितना चुंबकीय क्षेत्र वो सहन कर सकता है, तो उसे बोलते हैं सहनशीलता का मतलब चुंबकशीलता। ऐसी विद्युतशीलता होती है, क्या होती है भाई, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता को हम किससे शो करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो ये तीन मान हमें पता है, ये तो होती है निर्वात की विद्युतशीलता, एक होता है माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, और इनका जो अनुपात है उसे बोलते हैं एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर बोले ईआर नहीं बोले, तो एप्सिलॉन आर का मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। निर्वात के सापेक्ष माध्यम की जो विद्युतशीलता है, जिसका भाग दे रहे हैं उसके सापेक्ष होगा। निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता क्या कहलाती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसे बोलते हैं परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर। धातुओं के लिए, धातुओं के लिए कितना होता है एप्सिलॉन आर, चालक देखो भाई, चालक या धातु की बात करें तो उसके लिए एप्सिलॉन आर क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है भाई, अनंत। वायु के लिए होता है बल, वायु के लिए क्या होता है, ये काम में क्या होता है कि मानो के संधारित्र है, ठीक है ना, इसका द्वारा प्रारंभ रहे मुझे ये क्या है, मानो कोई संधारित्र है, ये मानो ये पॉजिटिव प्लेट। संधारित्र क्या होता है, जिसके प्लेटों का समूह हो गया एक तरीके से, प्लेटों का समूह, पेयर ऑफ प्लेट, प्लेटों का युग्म जोड़ा, दो प्लेटें एक जैसी लेकिन विपरीत आवेशित, ठीक है ना। चालक प्लेटें होनी चाहिए दोनों एक जैसी मोटाई एक जैसी लंबाई, नेचर सबका एक जैसा बिल्कुल, बस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये संधारित्र का पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो सपोज करो हमने इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई धातु की प्लेट रख दी, कोई धातु की पट्टिका रख दी, धातु की पट्टिका प्लेट, ये चलो इसको पूरा ही भर दिया धातु से, मतलब पूरा कवर कर लिया इसका क्षेत्र, ठीक है। तो अगर पूरा धातु हमने इसमें रख दिया है, धातु की प्लेट पूरी कवर करके हमने इसमें रख दी है, तो धारिता क्या हो जाएगी बताओ, अगर प्लेटों के मध्य दूरी क्या हो, डी, और इसके बीच में आपने टी मोटाई की कोई प्लेट रख दी,
अगर समांतर प्लेट संधारित होता है, समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है? d। ये है d। निर्वात में दूरी होती है, इसके बीच में कोई t मोटाई की प्लेट रख दी, तो उसके लिए धारिता का फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन बोलो d माइनस t प्लस t अपॉन k। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो। a प्लेटों का क्षेत्रफल है, d प्लेटों के बीच में दूरी है निर्वात वाली, क्या है माध्यम वाली, कि जैसे मान लो हमने ये बनाया था तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो कितनी है d, प्लेटों के मध्य दूरी, और ये जो हमने प्लेट रखी है इसके मध्य दूरी कितनी है t, मतलब t मोटाई की कोई प्लेट हमने रख दी, और k क्या होता है इसका परावैद्युतांक या एप्सिलॉन r। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई धातु की प्लेट रखेंगे तो धातु के लिए एप्सिलॉन r या इसको हम k बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है अनंत। धातु के लिए चालक के लिए क्या होता है अनंत, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, नीचे के आ रहा है ना, के अगर अनंत होगा तो टी अपॉन के क्या हो जाएगा जीरो, के अगर अनंत हो गया तो एक बट अनंत क्या होता है जीरो, यानी जीरो हो गया, तो ये धारिता बचेगी। मान लो पूरा भर दिया तो डी बराबर क्या हो गया टी, अगर मैंने पूरा पूरा माध्यम भर दिया तो डी बराबर क्या हो गया टी, तो डी बराबर टी हो गया तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो होगा तो क्या हो जाएगा अनंत, धारिता क्या हो जाएगी अनंत। तो अगर किसी समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से कोई धातु की प्लेट रख दी जाए या पूरा माध्यम भर दिया जाए तो धारिता क्या हो जाती है अनंत हो जाती है। तो यह ध्यान रखिए आप, तो हम इससे बात कर रहे थे तो बी नोट की बात हो रही थी कि चुंबकशीलता होती है, क्या होती है चुंबकशीलता, तो म्यू नॉट चुंबकशीलता वाला कितना चुंबकीय क्षेत्र वो सहन कर सकता है, कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर सकती हैं उस माध्यम में, वो उस माध्यम की क्या होती है चुंबकशीलता। ऐसे विद्युतशीलता होती है 30 लाख वोल्ट पर मीटर, वायु की विद्युतशीलता होती है 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर, इतना विद्युत क्षेत्र आपका वायुमंडल सहन कर सकता है। इसके बाद अगर आपने और ज्यादा फील्ड बढ़ाया तो उसका लीकेज होना शुरू हो जाएगा, क्षरण होना, कमी होना, मतलब वो ऊपर चला जाएगा, फिर लीक हो जाएगा वहां से। तो ये वायु की क्या है विद्युतशीलता है, कितना विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है 30 लाख वोल्ट पर मीटर। तो इसी बात अपन कर रहे हैं, तो देखो एक तो होता है स्वप्रेरण, क्या होता है भाई स्वप्रेरण, स्वयं मतलब स्वयं का ही है स्वप्रेरण। तो मैं इसी बात कर रहा हूं कि वोल्टेज हमारी प्रत्यावर्ती है, धारा भी कैसी होगी प्रत्यावर्ती, मतलब धारा में परिवर्तन हो रहा है, तो जब धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होता है परिवर्तन, क्योंकि बायो सावर्ट कहता है कि dB समानुपाती आई, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है समानुपाती होता है। तो अगर धारा में परिवर्तन हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगा परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है B dot A, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स B dot A, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र B, और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल B dot A। समझो ये कोई पृष्ठ है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो इसमें से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वो चुंबकीय फ्लक्स होता है phi B B dot A। कहने का मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, हो गया नहीं होगा, मतलब क्या हुआ वोल्टेज कैसी भाई प्रत्यावर्ती, तो धारा भी कैसी होगी धारा में चेंज होगा, धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फैराडे क्या कहता है कि अगर किसी परिपथ से संबद्ध, संबद्ध का मतलब जुड़ा हुआ कनेक्टेड, अगर किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में क्या उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि तो उत्पन्न हुआ इंड्यूस हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल E, ये वाला E, ठीक है अपन ऐसे नहीं लिखते E क्योंकि विद्युत क्षेत्र को शो करता है, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है ये एप्सिलॉन नहीं है E बोलेंगे, तो ये किसको शो करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल को शो करता है, तो ये उत्पन्न होता है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी, ये सब फॉर्मूला होता है फैराडे के नियम से,
कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसका मतलब क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल होगा तो उसे धारा भी बनेगी। विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं होता, विद्युत वाहक बल क्या होता है? विभवांतर। क्या होता है भाई? विभवांतर। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो उत्पन्न होता है किससे, किसमें परिवर्तन से उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से। भाई फैराडे ने बताया था कि अगर कोई परिपथ आपके पास है और उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स कम ज्यादा हो रहा है, बराबर एक चुंबक लेके आए, इसे पास रखे, दूर लेके जाए, ठीक है, पढ़ाया था ना इसे, और आश्चर्य का प्रयोग हमने पढ़ा था, पढ़ना दोबारा से सब चीजें। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी विभवांतर उत्पन्न होगा, और उस विद्युत वाहक बल से धारा बनती है, वो क्या होती है? प्रेरित धारा। तो अगर मान लो जिस परिपथ में, अब इस बात पे आ रहे हैं, स्वप्रेरण क्या होता है, जिस परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, उसी में क्या उत्पन्न हो जाए? प्रेरित धारा। मतलब उसी का परिपथ है और उसी में धारा उत्पन्न हो रही है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण, कि कोई दूसरा परिपथ नहीं है। अब क्या है अगली परिभाषा में, स्वप्रेरण का मतलब क्या है कि इसी के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है और इसी में क्या उत्पन्न हुई है? प्रेरित धारा, या प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब क्या होता है अगर हम एक दूसरा परिपथ और ले लें, तो देखा जाता है उसमें भी धारा उत्पन्न हो रही है। कैसे? अगर मान लो अपन दूसरा परिपथ ले, वहां ही क्या लगा दे? गैल्वेनोमीटर लगा दे। क्या लगा दे? गैल्वेनोमीटर, जो किसकी उपस्थिति बताएगा? धारा की उपस्थिति को बताएगा। तो अन्योन्य शब्द का मतलब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये मान लो हमारा गैल्वेनोमीटर है, जी जी फोर गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। तो देखा गया कि अगर इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ये चुंबकीय बल रेखाएं, तो इसके पास जो दूसरी कुंडली रखी हुई है उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी इसका जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है वो इससे कनेक्ट हो गया, पास रखी हुई है, इसका मतलब ये बल रेखा इसमें से भी गुजर रही है, ये बल रेखा है दूसरे वाले परिपथ से भी गुजर रही है। तो अगर किसी एक परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, किसी एक परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो? परिवर्तन हो, और दूसरे परिपथ में धारा उत्पन्न हो जाए, इस घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं इसको? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य शब्द का मतलब होता है दो, मतलब म्यूचुअल, आपस में होने वाली क्रिया, स्वयं नहीं, अन्योन्य शब्द का मतलब क्या है? दो आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप बल लगता है। गुलाम का नियम आपने पढ़ा है कि दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के कारण बल लग रहा है। तो अन्योन्य के लिए दो चाहिए हमें, तो अन्योन्य का मतलब हुआ कि एक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो और दूसरे में क्या उत्पन्न हो? प्रेरित धारा। इस घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो जो ट्रांसफार्मर है वो इसी सिद्धांत पे आधारित है, यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित। तो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, काम क्या करता है? ये वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, ये इसका काम है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी हाई को लो में कर देगा, लो को हाई में कर देगा अपनी आवश्यकता के हिसाब से। तो इसी वर्किंग के अनुसार जो इसकी एक क्रिया विधि है कि भाई ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर सकता है या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर सकता है। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो कहने का मतलब ट्रांसफार्मर एक हमारा विद्युत युक्ति है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम केवल और केवल एसी वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी वोल्टेज को? एसी वोल्टेज। ट्रांसफार्मर डीसी के लिए कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टता के लिए कार्य नहीं करता। ट्रांसफार्मर की सहायता से हम केवल किसको कंट्रोल कर सकते हैं? एसी वोल्टेज को। केवल और केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम और ज्यादा किया जा सकता है, किससे? ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो ट्रांसफार्मर का काम तो हमें पता लग गया कि क्या होता है, एक मशीन होती है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता, अपन एक लैंग्वेज में चले इसको हमें लिखना है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं, कि कहीं ज्यादा है तो कम कर दिया, कम है तो क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया।
तो इसे कम ज्यादा, ज्यादा कम के अनुसार ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। स्टेप अप करना है, स्टेप अप क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कर देगा, इसे बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। हिंदी में क्या नाम होता है इसका? उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। जो लो वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? हाई वोल्टेज में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इज ए कन्वर्टर, वोल्टेज कन्वर्टर। ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई कम को ज्यादा में, ज्यादा को कम में। स्टेप डाउन का मतलब क्या हुआ? अच्छा, यानी ये किसको कन्वर्ट करेगा भाई? ये हाई को किसमें कन्वर्ट कर देगा? लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और एक सिद्धांत में कार्य करता है, इसकी वर्किंग क्या है, तो इसको बस समझेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो कि एसी वोल्टेज को कम और ज्यादा करने का काम करता है। ट्रांसफॉर्मर की सहायता से हम केवल एसी वोल्टेज को ही कंट्रोल कर सकते हैं, डीसी के लिए ट्रांसफॉर्मर काम में नहीं आता। ठीक है, डीसी को अपन कम ज्यादा नहीं कर सकते, ये दोष है डीसी का। एसी का एक गुण है कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, डीसी को जितना झटका आ रहा है वो सहन करना ही पड़ेगा, एसी को आप झटके को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो एसी वोल्टेज को कंट्रोल करने के काम में आता है। अब कंट्रोल दोनों है, हाई को लो भी कर सकता है और लो को हाई। हमारा जहां पावर बनता है तो वहां बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होती है, तो सो फिर तारों की सहायता से आपके घर में भेज रहे हैं, तो ना मालूम सपोज 33,000 वोल्ट बन रहा है, तो घर में आर कितना रहा है? 220 वोल्ट आ रहा है। तो जो एक हमारा पावर जो ट्रांसमिशन हो रहा है, शक्ति संचरण जो हो रहा है, तो जो पावर वहां भरा वो आपके घर तक, कस्टमर तक आ रहा है, कंपनी तक जा रहा है, मान लो बड़ी बड़ी कंपनी में जा रही है पावर। तो ये जो काम हो रहा है वो किसी सहायता से हो रहा है? ट्रांसफॉर्मर की सहायता से हो रहा है। तो एक लाइन लिखो पहले, फिर अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मर क्या? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। लिखो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मर कुछ भी बोल सकते हैं। लिखो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर एक विद्युत युक्ति होती है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, युक्ति डिवाइस, यंत्र उपकरण, मशीन, एपरेटस। ट्रांसफॉर्मर एक विद्युत युक्ति होती है जिसकी सहायता से, ट्रांसफॉर्मर एक विद्युत युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता, ट्रांसफॉर्मर एक विद्युत युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को, प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को कम या ज्यादा, कम या अधिक किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर एक विद्युत युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को कम या अधिक किया जा सकता है, अर्थात यह प्रत्यावर्ती वोल्टता को, अर्थात यह प्रत्यावर्ती वोल्टता को नियंत्रित कर सकता है, अर्थात यह प्रत्यावर्ती वोल्टता को नियंत्रित कर सकता है। लाइन चेंज करके लिखो, लिखो दिष्ट धारा या वोल्टता, दिष्ट धारा या वोल्टता को ट्रांसफॉर्मर की सहायता से, दिष्ट धारा या वोल्टता को ट्रांसफॉर्मर की सहायता से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल, पढ़ के आना इसको आप, और कल आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आएंगे, याद करके आएंगे।